हाय, ओम नमः शिवाय। मैं सभी अभिभावकों को प्रणाम करता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए अपना समय दिया। आज के इस कार्यक्रम में मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो इंटरनेट और इससे जुड़ी काली दुनिया के बारे में है। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में जानते हम सब बहुत कुछ हैं, मगर उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट्स मालूम नहीं है। अभी इंटरनेट पे जितनी भी एप्लीकेशंस चलती हैं, जितनी भी एंड्रॉयड गूगल हमें एप्लीकेशंस देता है, वो सब फ्री में तो हैं, मगर उसके बदले में वो जो आपका डाटा लेता है, आपके फ़ोटोज़ मांगता है, आपके मैसेजेस, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी वीडियोस, आप अभी नहीं जानते हैं कि वो इन सब चीज़ों से क्या करता है। तो दोस्तों, चलिए आज ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इंटरनेट और इससे जुड़ी काली दुनिया का हमारे जीवन पर क्या असर है। तो मैं ये चाहूँगा कि पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे भी इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुने कि आज के समय में इंटरनेट पे इतनी काली चीज़ें भरी पड़ी हैं जिनकी गिनती करना नामुमकिन होता जा रहा है। आए दिन हर देश विदेश से ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर निकल रहे हैं जिनका आप लोगों को मालूम नहीं है और वो आपके मोबाइल में है। इंटरनेट पे काला बाजारी, ब्लैक हैट हेडिंग और कार्डिंग जैसे काले कारनामों को बड़ी आसानी से अंजाम दिया जा रहा है, जिसका आपको मालूम भी नहीं है कि आपके साथ में क्या धोखाधड़ी की जा रही है। ये इंटरनेट की वो काली दुनिया है जिसमें आजकल के जनरेशन के साथ साथ पेरेंट्स भी फंसते जा रहे हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जिनसे बचने का तरीका ना तो कोई स्कूल सिखा रहा है और ना ही कोई कॉलेज बता रहा है। और बड़ी दुखदायक समस्या ये है कि ना तो पेरेंट्स इसके ऊपर सोच रहे हैं और ना ही बच्चे ये तय कर पा रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसा कि हम सब देखते हैं कि हमारे आसपास में रहने वाले बच्चे कंप्यूटर साइंस में टीनेज से ही इंटरेस्ट लेने लगते हैं और वो बड़े होकर सोचते हैं कि हम अपना फ्यूचर कंप्यूटर साइंस में ही बनाएंगे। मगर दोस्तों, हमें इस टॉपिक पर ध्यान देना होगा। वो कभी कभी सोचने लगते हैं कि कंप्यूटर साइंस और इंटरनेट साइंस के थ्रू हम लोग हैकर बनेंगे। अब जब उनके मन में इस तरह का विचार आता है कि उन्हें एक हैकर बनना है, तो उनके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है एथिकल हैकिंग, यानी कि टेक्नोलॉजी का सही यूज़ करना और लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचाना। दूसरा है ब्लैक हैट हैकिंग, यानी कि काली टोपी वाला कारनामा, यानी कि दोस्तों इसमें इंटरनेट और उससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ करना और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाना। अगर हम बात करें एथिकल हैकिंग की, तो यह लीगल है और हमेशा रहेगी, मगर इसके साथ आज के समय में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जुड़ी हुई है, वो है ब्लैक हैकिंग की बढ़ती हुई कमाई, जो कि एक सीधे साधे इंसान को बार बार अपने लालच में फंसने की ज़रूरत करती है। इंटरनेट पे जितनी भी काली एक्टिविटी होती है दोस्तों, उन सब में ब्लैक हैट हैकिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो काम जिससे लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसमें टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ किया जाता है और इंटरनेट के थ्रू लोगों के घरों के अंदर घुसा जाता है। जितनी भी क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डाटा चोरी होता है, जितना भी पैसा आपके अकाउंट से या किसी भी भारतीय या दुनिया के किसी भी इंसान के अकाउंट से धीरे धीरे चोरी होता है, उन सब में ब्लैक हैट हैकिंग का ही हाथ होता है। इसके साथ साथ काला बाजारी में दौड़ता हुआ पैसा, बढ़ती हुई पोर्नोग्राफी, बिगड़ता हुआ कल्चर, हर तरह के वायरस से लेके ड्रग्स डीलिंग, कोड का चोरी होना और मिसकम्युनिकेशन, इस हर चीज़ में ब्लैक हैट हैकर्स का बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों। अब सवाल ये आता है कि सीधे साधे नौजवानों को ब्लैक हैट हैकिंग क्यों ललचा देती है? तो उसका सिर्फ इकलौता एक ही रीज़न है दोस्तों, वो है पैसा। अपनी तरफ लोगों को खींचता है, जो कि ब्लैक हैट हैकिंग मार्केट में भर भर के मिलता है, मगर ये चकाचौंध मारने वाला पैसा बहुत काला है। जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की थी, तब इन लोगों की कमर टूट गई थी, क्योंकि जो पैसा ब्लैक हेडिंग से मिलता था वह सब राख हो गया और उसका कोई रिकॉर्ड ना होने के कारण वो पैसा डिस्ट्रॉय होता चला गया। लेकिन जब से नए नोट छपने लगे हैं, तब से दोस्तों इन लोगों का कमबैक फिर से हो गया है। इंटरनेट की दुनिया जितनी सुहावनी, चमकदार और आसान लगती है दोस्तों, अंदर से उतनी ही खतरनाक होती है, क्योंकि हर इल्लीगल काम
कभी ना कभी बंद जरूर होता है। इस कंप्यूटर की ब्लैक हैट हैकिंग की चकाचौंध इसे फंसते जा रही है, और जब वो लोग एक बार इस काले दुनिया में कदम रख लेते हैं वो फिर कभी बाहर नहीं आ पाते। एक ना एक दिन वो पकड़े जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी जेल की सलाखों को पीछे काटते हैं। अगर किसी इंसान की जिंदगी जेल की सलाखों को पीछे काटते हैं तो उसमें पहला हाथ पेरेंट्स का ही माना जाता है कि पेरेंट्स ने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। अगर आपका बच्चा कंप्यूटर साइंस में रुचि रखता है तो उसको ये समझाना कि हैकिंग करना बुरा काम नहीं है, मगर हैकिंग सही दिशा में करो, जैसे बैंक में होने वाले फ्रॉड को रोक देना, या किसी वायरस को रोकना, या कंप्यूटर की सिक्योरिटी को इतना मजबूत करना कि कोई भी उसकी सिक्योरिटी में सेंध न लगा पाए। पेरेंट्स और बड़े लोगों के लिए मैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो उस वक्त आपको बहुत चौकन्ना और सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि उस वक्त ब्लैक हैकर्स आपकी डिटेल को चोरी कर रहे होते हैं। और किसी भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को चोरी करना कार्डिंग कहलाता है। दोस्तों, आप अपनी डिटेल्स किसी के साथ शेयर मत कीजिए। आपके पास कोई भी मैसेज आए जो आपको ये बोले कि अब आपको ये प्रेस करना है, या अब आप इस विंडो को ओपन कर दीजिए, या आप इसको अप्रूव कर दीजिए, दोस्तों आपको बहुत ध्यान से उस ट्रांजेक्शन को अप्रूव करना। कार्ड की डिटेल एक बार जब चोरी हो जाती है तो आप लोगों को पता नहीं चलता है, और आपके अकाउंट से धीरे धीरे पैसा खिसकने लगता है, और फिर हमें एक दिन पता चलता है कि हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। जो लोग ब्लैक हैट हैकिंग करते हैं उनके ऊपर साइबर क्राइम की बहुत बड़ी बड़ी टीमें 24 घंटे नजरें गड़ाए बैठी रहती हैं, और फाइनली उन लोगों को जाना जेल के पीछे ही है। कोई भी ब्लैक हैट हैकर अपने आप को कितना ही बड़ा हैकर क्यों ना समझ ले, मगर एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर हैकर ही बनना है तो एथिकल हैकर बनो, ताकि आप मानवता, देश और पूरी दुनिया की रक्षा कर सकें। अब देखना ये है कि आने वाले टाइम में जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए तो उसमें आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैं तो हर चीज़ अब डिजिटल होने जा रही है और इसको डिजिटल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को या किसी के नज़रियों को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको टेक्नोलॉजी का सही और गलत इस्तेमाल के अंजाम से अवगत कराना। ये मालूम होना चाहिए कि गलत करने से इसके क्या क्या अंजाम हो सकते हैं और हम खुद के साथ कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। आप भी अपने आप को कुछ चंद पैसों के लालच में ना फंसाएं, अपनी लाइफ को बर्बाद ना करें, और आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सेट करें।